न्यूज़ 24x7 इंटरटेनमेंट के लिए मैं गौहर हयात लेकर हाजिर हूं। अपना ये ख़ास प्रोग्राम सेहत आपकी फ़िक्र हमारी, और सेहत आपकी फ़िक्र हमारी में इस दफ़ा हमारी मेहमान हैं जानी मानी IVF एक्सपर्ट और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मि शर्मा। मैडम आपका स्वागत है। डॉक्टर रश्मि शर्मा BHU से पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं और फ़िलहाल जो है वो इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी की जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, और साथ ही साथ अपना एक इनका सेंटर जो है IVF का वो यहाँ पीतमपुरा में रन करता है। हम पहुँचे हैं वहीं इसी सेंटर में। तो मैम, जब भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो जहाँ तक अगर हम देखें तो इसका ब्रॉडर आस्पेक्ट जो है वो इनफर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है, और इनफर्टिलिटी को लेके एक जो कॉमन इंडियन के जहन में तसव्वुर ज़्यादातर यही होता है फीमेल इनफर्टिलिटी को लेके। तो ओवरऑल क्या है इनफर्टिलिटी, और उसमें फिर मेल इनफर्टिलिटी क्या है और फीमेल इनफर्टिलिटी क्या है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एंड आई एम सो हैप्पी कि अगर न्यूज़ 24 के माध्यम से लोगों में ये मैसेज स्प्रेड हो सके कि आज की डेट में इनफर्टिलिटी के लिए जितना फीमेल रिस्पॉन्सिबल है उतना ही मेल भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इनफर्टिलिटी के कारणों को देखते हैं, बांझपन के कारणों को देखते हैं, तो 40% पेशेंट हमारे पास पुरुष समस्या की वजह से आते हैं। तो ये मिथ जो सोसाइटी में फैला हुआ है कि इट इज़ ओनली फीमेल रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं इस भ्रांति को तोड़ने की आवश्यकता है और बहुत ज़रूरत है। और आई शुड से बांझपन बहुत कॉमन समस्या है आजकल, हर 6 से 7 कपल में से एक कपल इस समस्या से जूझ रहा है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल मैं उठाना चाहूँगा, चूँकि मैं पत्रकार हूँ और आप डॉक्टर हैं, तो आप तो जाहिर सी बात है कि वो टर्म जो मेडिकल में इस्तेमाल होते हैं आप करेंगे, लेकिन बांझपन जिस शब्द का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, इस शब्द की शायद बदकिस्मती है कि ये शुरू से औरतों से जुड़ा हुआ है। जब भी हम बांझपन के, मतलब औलाद पैदा करने का दायित्व तो औरत ही कैरी करती है, क्यों? यही बात, इसी भ्रांति को समाज में आप जैसे पत्रकार और आप जैसे न्यूज़ मीडिया तोड़ने का काम करें तो बहुत अच्छा होगा। बात बताई कि शादी के फौरन बाद जितना कि इंतज़ार कपल को अपने आने वाले बच्चे का नहीं होता, उससे ज़्यादा इंतज़ार समाज को होता है, और सवालों से वो कपल को इस कदर परेशान कर देता है कि वो मेंटल डिस्ट्रेस के भी शिकार हो जाते हैं। यहीं पर एक सवाल ये उठता है कि एक कपल को अपनी शादी के कितने दिन बाद ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि कहीं वो इनफर्टिलिटी के तो शिकार नहीं है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर नहीं है, अगर पहले से कोई बीमारी उनको पहले से नहीं पता और उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, लेट से 30 साल से कम उम्र है, तो मैं कहूँगी साल भर तक कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। और अगर साल भर तक भी नॉर्मल रिलेशनशिप के बावजूद अगर बच्चा नहीं ठहरता है तो उनको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज 99% लोगों का बच्चा शुरू के पहले साल में ठहर जाएगा, बाकी बचे हुए 1% लोगों का बच्चा सेकेंड ईयर में ठहर जाएगा। तो अगर साल डेढ़ साल तक बच्चा नहीं ठहर रहा है तो डेफिनेटली देर इज़ सम प्रॉब्लम एंड दे शुड कंसल्ट द डॉक्टर। बट अगर उनको पहले से कुछ बीमारी पता है, सपोज़ या तो उम्र ही ज़्यादा है, लेडी की उम्र 36 साल है 37 साल है, पहले उनका कोई सिस्ट का ऑपरेशन हो चुका है, ओवरी की ट्यूमर कुछ निकल चुका है, यूट्रस की कोई परेशानी है, पीरियड्स की परेशानी है, तो उनको मालूम है कि वो इनफर्टिलिटी के लिए प्रोन है, तो उनको 6-7 महीने में ही कंसल्ट कर लेना चाहिए। या हस्बैंड को कोई इस तरह की टेस्टिस में ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, कई बार टेस्टिस घूम जाता है, टॉर्शन, इस तरह की बीमारी अगर कभी मेल को पहले हो चुकी है तो उनको एटलीस्ट अपना स्पर्म काउंट करा लेना चाहिए कि स्पर्म्स नॉर्मल हैं या नहीं। सो नॉर्मल कंडीशंस में साल भर के बाद, और अगर कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स पहले से हैं तो आई वुड से 6 महीने के बाद दे शुड कंसल्ट इफ एज परमिट्स। इफ समबडी इज 40 ईयर्स, आई वुड से 2 महीने में कंसल्ट करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, एज क्या है, पेशेंट के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है और नॉर्मल है कि नहीं। तो ऐसे क्या अर्ली सिम्टम्स हैं जो एक कपल अपने आप को उस सिम्टम्स के पैरामीटर पे खुद को स्क्रीन करें और इस चीज़ को एश्योर करें कि वो इनफर्टाइल तो नहीं हो रहे हैं? तो उनकी पास्ट हिस्ट्री, दिस इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो पेशेंट को पता होगे, जो मरीज को पता होगा। मेल में अलग अलग करके एक बार आप बता दें कि सिम्टम्स, फीमेल में कैसे ऑब्जर्व करें खुद को कि हम इनफर्टाइल हो सकते हैं, और उनको तो फीमेल में अगर मासिक धर्म की एब्नॉर्मलिटी है, साइकिल इरेगुलर चल रहा है, जिसको हम माहवारी अपनी आम माहवारी कहते हैं, अगर इरेगुलर है, चाहे वो जल्दी आ रहे हैं चाहे लेट आ रहे हैं, डिले होके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एग बनने की दिक्कत हो सकती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, तो कंसल्ट करना चाहिए। या पहले कोई सर्जरी की हिस्ट्रीज है, ओवरी में सिस्ट थी, डर्मोइड था और उसके लिए सर्जरी हो चुकी है, तो हमें पता है कि ओवरी में सर्जरी हो चुकी है,
तो नेचुरली एग्स कम हो सकते हैं, या पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है। हमारे देश में इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण टीबी है, और टीबी बहुत कॉमन है। हिंदुस्तान के हर चौथे आदमी को टीबी है, जी, हमारे देश के लिए हमेशा से ये एक बड़ी समस्या बहुत बड़ी रही। समस्या है और बहुत कॉमन है। औरतें इसके लिए बहुत हाँ, वल्नरेबल, बहुत वल्नरेबल हैं, हिंदुस्तान की जो औरतें हैं वो बहुत पड़ी वल्नरेबल हैं। हैं, और ट्यूबरकुलोसिस की मेरे ख्याल से पेशेंट्स में भी अच्छी अवेयरनेस होना भागीदारी चाहिए कि अगर औरतों बचपन में की। कभी टीबी हुआ है तो बच्चा ठहरने में दिक्कत आ सकती है, और समय रहते उनको कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉब्लम, या एज ज़्यादा है ना, मान लिया अगर शादी ही लेट हो रही है, 35 ईयर्स एंड बियॉन्ड हो रही है, तो जल्दी कर लेना चाहिए कंसल्ट। या पहले कभी कैंसर की समस्या और कैंसर की कीमोथेरेपी वो अगर ले चुके हों, है ना। बचपन के कैंसर्स भी बड़े कॉमन हैं, ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, और सर्वाइवल बहुत इंप्रूव हो गए हैं कैंसर का ट्रीटमेंट इंप्रूव होने से। तो हमें पता है कि कीमोथेरेपी अगर पेशेंट को मिल चुकी है तो उनके अंडे खत्म हो चुके होंगे, उनकी फर्टिलिटी डेफिनेटली बहुत कम हो चुकी होगी। तो ऐसी कंडीशंस में उनको कंसल्ट करना चाहिए। मेल की अगर इसमें मैं कहूँगी कि नंबर 1, एल्कोहल एंड स्मोकिंग बहुत जी इंपॉर्टेंट है। टू मच ऑफ एल्कोहल, टू मच ऑफ स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो स्पर्म्स पे इफेक्ट आ सकता है। टोबैको भी मेरे ख्याल से उसी यस, तो अगर आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा पी रहे हो या बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हो, तो एटलीस्ट स्पर्म काउंट करा लीजिए। तो इसको ओवरऑल ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी तरह के सब्सटेंस अब्यूज के शिकार सब्सटेंस हैं अब्यूज, यस, तो आप समझ लीजिए कि आप इनफर्टाइल होने होने के के लिए संभावना बॉन्ड है। हैं। एंड देन अगर आपकी कोई पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस है, इलनेस हो सकती है कि जैसे खेलते हुए कभी क्रिकेट की बॉल लग गई हो, जी बिल्कुल। टेस्टिस पे ट्रॉमा हो जाता है, हिमेटोमा हो जाता है, जैसे कि टेस्टिस का फंक्शन खत्म हो जाता है, या कभी कभी टेस्टिस अपनी जगह पे घूम जाता है, जी इस तरह के बिल्कुल। कोई सर्जरी, या बचपन में कोई सर्जरी हो चुकी हो। कभी कभी होता है बच्चे का टेस्टिस पेट में होता है, नीचे नहीं जी होता, जी उसको बिल्कुल सर्जरी इस के तरह लिए द्वारा के। नीचे लाया जाता है। जी तो अगर इस तरह का कोई भी ऑपरेशन हो चुका है तो आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए, पहले कर लेना चाहिए रादर देन लेट। मैम, जैसे कि हम सब जानते हैं इनफर्टिलिटी तब से हमारे समाज की समस्या रही है, जब से समाज का वजूद यानी जब से इंसान वजूद में आया है तब से मेरे ख्याल से इनफर्टिलिटी इंसान के सामने एक बड़ा चैलेंज रहा है। और आज भी ये कहते हुए, हालांकि बहुत अफसोस है कि ये टैबू की ही शक्ल में यस, हमारी समाज के बीच में बहुत मौजूद रहा बहुत है। मैम, इनफर्टिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इनफर्टिलिटी के लिए जो फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स, वो फीमेल और मेल के लिए काइंडली आप अलग अलग कर देखिए, दें। कुछ तो रिस्क फैक्टर ये हो गए जो मैंने ऑलरेडी आपको इलेबोरेट कर जी दिया, कि कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। पास्ट जी, ऑपरेशन, पास्ट कोई बीमारी, लंबी बीमारी, लाइफ स्टाइल रिलेटेड। उसके जी अलावा इन बीमारियों के अलावा आपकी उम्र, दैट इज इनफर्टिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है उम्र। अगर देखिए, फीमेल जो है वो एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन के साथ पैदा हुए हैं। हमें पता है कि 35 साल की उम्र के बाद रिप्रोडक्टिव जो पोटेंशियल होता है वो धीरे धीरे कम होता जाना है, 40 साल के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो ये जाता तो है, पूरी एक बायोलॉजिकल साइकिल है जिसमें सर्वाइवल साइकिल। डिजेनरेशन या हाँ, डिग्रेडेशन जैसा तो एक एज एज बिल्कुल बहुत फैक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। जो आजकल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है उसका ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों के जो लाइफस्टाइल है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो चुका है। दे हैव शिफ्ट ड्यूटीज़, किसी की नाइट ड्यूटी है, किसी की डे ड्यूटीज़ है, 12-12, 18-18 घंटे की ड्यूटी है, और शायद इसीलिए हमारे यहाँ IVF सेंटर्स में भीड़ बढ़ रही है। एक तो लेट शादियाँ हो रही हैं, जी बिल्कुल। शादी की एज जो है, जो नॉर्मली 18 साल होती थी, 18-19, वो अब बढ़ के 25-26-30 साल जो हो गई सबसे है। सेंसिटिव रिप्रोडक्टिव एज होती है उसको उसमें क्रॉस करने के करियर में, बाद लोग हाँ, मैरिज कर रहे मैरिज कर हैं, रहे हैं, दिस इज ट्रेंड नंबर बदल वन। गया है बिल्कुल। और मैरिज करने के बाद भी चैन नहीं है, तो उसके बाद भी यही इतना तो स्ट्रेस है। इसमें तो बहुत हद तक रोल जो है वो टेक्नोलॉजी का भी आता है। अब देखिए टेक्नोलॉजी हमारी किस कदर आगे जा चुकी है कि क्रायो प्रिजर्वेशन जैसी एक टेक्निक भी हमारे पास, जहां अब उम्र कोई मैटर ही नहीं करती है कि हमको कब फैमिली प्लान करनी है, कब कंसीव करना है, कब बच्चा करना। यहीं पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जब जैसा कि आपने कहा कि इंसान की इर्तका के साथ बांझपन इसकी एक बड़ी समस्या रही है और टैबू की शक्ल में ये मौजूद रही है, तो तब तक जब तक कि टेक्नोलॉजी ने इसमें हाथ नहीं लगाया था, आप यकीन जानिए कि औरतों की आबादी की एक बड़ी तादाद बांझपन के इस टैबू से जूझ रही थी। लेकिन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी तकनीक ने उनकी ज़िंदगी को वरदान, आसान बनाया और उनकी तमन्नाओं और उनकी आरजुओं, और जो एक आरजू होती है हर एक मैरिड कपल की, वो पूरा करने का काम किया। तो मैम, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो ये टेक्निक है IVF, तो एक जनरल गायनिक होने के बाद आप इसी तरफ क्यों आपका रुझान हुआ स्पेशलाइजेशन के लिए? आमतौर पर तो गायनिक अपनी PG के बाद प्रैक्टिस करती हैं, लेकिन आप IVF की तरफ आती हैं, उन लोगों की तरफ जिनकी उम्मीदों को कोई किरण नजर नहीं आती है। देखिए, इन द इनिशियल ईयर ऑफ ईयर्स ऑफ माई प्रैक्टिस,
जब मैं जनरल गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स प्लान कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स आए जो बहुत परेशान थे, 10-10, 20-20 साल से परेशान थे, और ये वो ज़माना था आज से लगभग 15-20 साल पुराना जी, जब IVF सेंटर गिनती के पूरे हिंदुस्तान में शायद 4, 5 या 6 हुआ करते थे जी, है ना। ये वो शुरू में बहुत, जब IVF लॉन्च हुआ था तो ये कॉस्ट, ये टेक्निक अपने आप में बहुत कॉस्टली थी, और तब कहा जाता था कि सिवाय अमीरों के औलाद जो है इंसान चाहे तो नहीं पैदा कर सकता, गुर्बत उसके लिए एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। मतलब पूरे इंडिया के सिर्फ टॉप मोस्ट 4 या 5 शहरों में IVF सेंटर सीमित थे, दिल्ली, बॉम्बई, पूना, तो अगर किसी भी मरीज को अगर IVF की ज़रूरत है तो उनको उन सिटीज़ में ट्रैवल करना पड़ता था। तो आई रियलाइज कि हमारे देश में IVF की नीड बहुत ज़्यादा है, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे देश में IVF के स्पेशलिस्ट नहीं हैं और कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी। तो इस करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस फील्ड में कुछ करना चाहिए ताकि वो एक फैक्ट सेगमेंट जो बहुत नेग्लेक्टेड है हमारे देश में उसको केयर मिल सके जी। यहाँ पर अब ये जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि इतनी देर की बातचीत में जिस IVF की हमने बार बार बात की, जिस इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के टेक्निक की हमने बात की, जिसकी एक एक्सपर्ट हमारी मेहमान है, आइए इनसे पहला सवाल जानते हैं कि ये IVF को भी लेके एक टैबू सोसाइटी में बन चुका है, कुछ रिलीजियस लीडर्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, कुछ हमारी सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का भी उसमें बहुत, और रिजिड मेंटालिटी का भी उसमें बहुत योगदान है, बावजूद उसके क्या है ये IVF? देखिए, IVF एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। सबसे पहली बात, IVF कोई हवा नहीं है। कैसी ये रिप्रोडक्शन को कैसे असिस्ट करती है? देखिए, इसमें हम बेसिकली इसको लेमन लैंग्वेज में हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी का सिंपल सा मतलब है कि हमने लेडी को इंजेक्शंस लगाए, उनके एग्स बनाए 10-15, उस 10-15 एग्स को हमने अल्ट्रासाउंड के थ्रू बाहर निकाल लिया बिना किसी ऑपरेशन के। हस्बैंड के हमने स्पर्म लिए, टेस्ट ट्यूब में हमने उनको रखा एग और स्पर्म का। वो बच्चा जो शरीर में नली में बनता है, वो बच्चा हमने बाहर लैब में बनाया, और वो बना बनाया बच्चा हमने यूट्रस में डाल दिया। तो पीरियड क्या होता है, कितने दिन के पीरियड का वो आप? दिस टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 10-15 दिन, लगभग 10-12 दिन इंजेक्शन के थ्रू अंडे बनाने में लगते हैं, और लगभग 3 दिन में बेबी बनके तैयार हो जाता है। तो लगभग 15-20 दिन का ये प्रोसीजर होता है, जिसमें कोई भर्ती नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है। फर्स्ट इंजेक्शन से लेके और यूट्रस में जब आप भ्रूण को प्लांट कर रहे होते हैं, वो पूरा पीरियड कितना लंबा होता है? लगभग 15 दिन। और कितना आसान होता है ये प्रोसीजर? एक टैबू ये भी है कि बड़ा पेनफुल होता है IVF का प्रोसीजर, और लोग सोचते भी हैं कि कैसे डॉक्टर्स इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और कैसे ये पूरा प्रोसीजर फिर टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट होगा और फिर वो कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, आप इसको कॉमन मैन के लिए समझाने की तरह से। तो इस भ्रांति को भी तोड़ने की बहुत ज़रूरत है कि IVF पेनफुल है। नो, अगर हम इंजेक्शन के पेन को पेन मान लें तो पेन है, और अधिकतर इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो इंसुलिन की तरह पेट में लगा दिए जाते हैं, यूजली उनके हस्बैंड, हाँ, सबक्यूटेनियस, या तो पेशेंट के हस्बैंड को सिखा दिया जाता है या पेशेंट खुद ही लगा लेता है। दे आर वेरी इजी, देर आर ओनली फ्यू इंजेक्शन जो कि नर्स लगाती हैं, हिप्स में लगाती हैं। तो इंजेक्शन के अलावा, इंजेक्शन का अभी तक साइंस तो नहीं बना पाई है कि हमने गोलियां बना ली हों, लेकिन इंजेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है, आना है जाना है, इट इज़ अ प्लेन OPD ट्रीटमेंट, किसी दिन भर्ती भी नहीं होना है। जिस दिन एग निकालने हैं उसमें कोई पेन नहीं है, क्योंकि 15 मिनट की बेहोशी देके होना है, उसमें कोई चीरा नहीं है जी, बिल्कुल, सिर्फ अल्ट्रासाउंड के थ्रू, नीडल के थ्रू निकालना है। तो पेन नहीं है IVF में, पेन नहीं है नीडल इंजेक्शन के अलावा जी। और अधिकतर पेशेंट्स जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको वो मतलब नीडल का पेन भी याद नहीं रहता, वो कहते हैं उनको आदत सी पड़ गई जो भी 15-20 दिन इंजेक्शन लगे। तो आई थिंक ये भ्रांति टूटने की जरूरत है समाज में कि IVF पेनफुल है। एक और बड़ी भ्रांति जो IVF के साथ जुड़ी हुई है, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने खुद भी कहा कि जब ये टेक्निक लॉन्च हुई थी इंडिया में तो मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में फोकस थी, और बहुत कॉस्टली होने की वजह से जो है सिर्फ रिच जो क्लास था वही इसको एक्सेस करता था। तो आज भी क्या IVF का कोई ऐसा वर्जन एडिशन आपने मैम अपने इतने लंबे कैरियर में निकाला है जिसको लो कॉस्ट IVF हम कह सकें? सी, हमारे सेंटर में जब व्हेन वी रियलाइज्ड लॉट ऑफ पेशेंट्स, बहुत सारे मरीज इस तरह के आ रहे थे जिनको IVF की ही आवश्यकता थी, जिनका मतलब और कोई उपाय था ही नहीं, बिना IVF के उनके चांसेस 0% है, किसी की नलियाँ बंद हैं, किसी के शुक्राणु बहुत कम है, तो हमें पता है कि उनका IVF के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और वो पेशेंट सरकारी में जा नहीं पा रहे थे और प्राइवेट में करा नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ
हाई कॉस्ट, तो उनके लिए टेक्निक है मेडिकली माइल्ड आईवीएफ, या लेमन लैंग्वेज में बोलें तो लो कॉस्ट आईवीएफ, जिसमें हम क्या करते हैं इंजेक्शन का अमाउंट कम कर दिया, सब्सिडाइज इंजेक्शन की डोज कम कर दी, क्योंकि आधा खर्चा तो आईवीएफ में इंजेक्शन का ही है। तो अगर हमने इंजेक्शन का डोज कम कर दिया तो हमें एग मिले 3-4, बेबी बने 2-3, और वो 2-3 हमने बेबी ट्रांसफ़र कर दिया, तो उनको एक साइकिल बहुत अच्छा मिल जाता है एट ऑलमोस्ट हाफ द कॉस्ट, और उनको वो पूरा चांस मिल गया। केवल यह है कि हाँ शायद उनको एक्स्ट्रा एग नहीं मिलेंगे और एक्स्ट्रा आगे के लिए बच्चे फ्रीज करने को नहीं मिलेंगे चांस जो शायद एक स्टैंडर्ड आईवीएफ मिल जाता, पर कम से कम वो एक चांस जो वो करा ही नहीं पा रहे थे कॉस्ट की वजह से, वो उनको बहुत अच्छा मिल तो एक स्टैंडर्ड आईवीएफ की कॉस्ट आज के इस वक्त में, जबकि आईवीएफ को लॉन्च हुए काफी समय हो चुका, लगभग 1.5 लाख के करीब होती है लगभग, और जिसको लो कॉस्ट आईवीएफ हम कह रहे हैं हमारे सेंटर में अराउंड 75,000, तो बहुत फर्क है 75,000 और 1.5 लाख, तो ये ऑलमोस्ट हाफ का, और ये अंतर कुछ मरीजों के लिए बहुत बड़ा अंतर होता है। उसमें भी अगर उनको लोन फैसिलिटी मिल जाए ना, देर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दीज डेज लाइक बजाज फाइनेंस, जो इंटरेस्ट फ्री ईएमआई पे देते हैं, सो ब्याज नहीं लग रहा पेशेंट का, पेशेंट महीने में ईएमआई के थ्रू आईवीएफ करा पा रहा है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी सुविधा है। मैम यहाँ एक और सवाल जो आमतौर पर लोग जहन में उठता है, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा हुए काफ़ी दिन हो चुके, और हम याद करें तो उस वक्त से अब तक गंगा में जाने कितना पानी बह चुका, कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है ये टेक्निक, तब क्या थी अब क्या है? देखिए उस समय के हिसाब से अब तक में बहुत ह्यूज प्रोग्रेस हो चुकी है, लुईस ब्राउन के भी बच्चे हो चुके हैं, लुईस ब्राउन वाज द फर्स्ट बेबी 1978, और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी कि इंडिया में भी फर्स्ट आईवीएफ बेबी उस बेबी के पैदा होने से 2-3 महीने के बाद ही, अच्छा, दुर्गा, उस बेबी का नाम है दुर्गा जी, जो कि कैलकटा के डॉक्टर थे, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, उनकी बिल्कुल अलग तकनीक थी, बिल्कुल अलग, उसके थ्रू वो पैदा करा चुके थे, तो वो जो कि इंडिया का इंडिजीनियस टेक्निक थी, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य कह लीजिए कि हमारे देश में शायद रिसर्चर्स को उतना प्रमोट नहीं किया, नहीं मिल पाता, अल्टीमेटली ही कमिटेड सुसाइड, विच इज़ अ वेरी सैड टेल इन आईवीएफ, कि हमारे देश में वो बेबी पैदा किया था जी, तो मतलब हिंदुस्तान खैर पीछे नहीं रहा है, अभी भी पीछे नहीं है, वी हैव वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज द रीजन की दुनिया हिंदुस्तान में आके ट्रीटमेंट करा रही है, इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं सारे NRI, सारे यू नो, बिकॉज बहुत हाई स्टैंडर्ड का IVF ट्रीटमेंट इंडिया में होता है एट अ वेरी लो कॉस्ट, एट अ वेरी लो कॉस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 द कॉस्ट जो पेशेंट को अमेरिका या इंग्लैंड में पड़ता है। मैम अमेरिका की बात आ ही गई है, तो लोग हमेशा जो है हेल्थ सेक्टर में आप जहाँ वो एक्सेस कर रहे होते हैं हेल्थ सर्विसेज को, तो वो कंपेयर करते हैं वेस्ट से, खास तौर से कंपेयर करते हैं कि वेस्ट के कंपैरिजन में ये जहाँ हम एक्सेस कर पा रहे हैं इसकी क्या हालत है, तो अगर चाहिए हम वेस्टर्न वेस्टर्न सिनेरियो में देखें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक जो वेस्ट में है और जो इंडिया में है, क्या उसमें क्या बहुत ज्यादा फर्क है? बिल्कुल भी फर्क नहीं है, बल्कि और क्या लेटेस्ट आपने इंट्रोड्यूस किया है अपने क्लिनिक में? सी आई वुड से इंडिया बिल्कुल पीछे नहीं है, इनफैक्ट आगे ही है, उसका कारण यह है कि इंडिया में पेशेंट्स बहुत है, वहाँ पेशेंट नहीं है इतने, वो 4 मरीज करेंगे तो शायद इंडिया में 400 होंगे, तो यू नो एक्सपीरियंस वाइज टेक्नोलॉजी वाइज वी आर नॉट ओनली इक्वल, वी आर बेटर देन देम, हम उनसे कहीं बहुत आगे, और यही कारण है कि दुनिया ट्रैवल कर रही है, मेडिकल टूरिज्म इसीलिए हो रहा है क्योंकि वी आर डूइंग गुड सर्विसेज एट अ वेरी गुड कॉस्ट। एंड जहाँ तक इनोवेशंस की बात है, तो हमारे सेंटर में खुद पर्सनली हम लोग वॉट एवर इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, जैसे एम्ब्रियो ग्लू वी यूज अ लॉट, लेजर असिस्टेड हैचिंग जिसमें लेजर के थ्रू, इस पूरे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ये जिन चीजों को आप बता रहे हैं, न्यू इनोवेटिव टेक्निक्स, इनका क्या रोल है, कैसे ये और इन विट्रो को जो है आईवीएफ के रिजल्ट्स अभी 100% नहीं पहुंचे हैं, तो ये जो टेक्निक्स हैं जैसे जी ये ग्लू आप बता रही हैं, आप उसका कैसे यूज करती हैं अपने पूरे प्रोसीजर में? ये एक नए तरीका कल्चर मीडिया है जिसमें कहा जाता है कि एम्ब्रियो को अगर पहले रख लिया जाए ट्रांसफर से पहले, तो उसके चिपकने के चांस बढ़ जाते हैं, तो इस पर बहुत स्टडीज चल रही हैं वर्ल्ड में, एंड इट इज सेड कि 10-15% के करीब प्रेगनेंसी रेट इससे बेटर हो जाता है, बेटर हो जाता है, तो व्हाई नॉट, अगर कोई पेशेंट पहले फेल हो चुका है सब कुछ यहाँ यस
लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव डन ऑलरेडी 2-3 इयर्स से हो रहा है लेजर असिस्टेड हैचिंग। हर वो अपडेटेड टेक्नोलॉजी जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक में वो इस्तेमाल होती है, वो ओरिजिन लाइफ फर्टिलिटी सेंटर में आप अगर आप आएंगे तो आप भी एक्सेस कर सकते हैं। और मैम का एक पूरा लंबा कैरियर रहा है। मैम यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारी अब तक की बातचीत में डिस्कस नहीं हुई है, बढ़ती हुई टेक्निक के कई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। टेक्नोलॉजी ने जहाँ ज़िंदगी को आसान किया है, कई नई मुसीबतें भी हमारे सर पे लाद दिया है टेक्नोलॉजी ने। उनमें एक मुसीबत जो है वो रेडिएशन और रेडियो एक्टिविटी है, जो हमारे साथ हमेशा हमारी जेब में मोबाइल की शक्ल में घूमती रहती है। उसके अलावा जो है टेक्निक की इस तरक्की के साथ हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पहले कॉमन नहीं थे अब बहुत कॉमन हो गए, लाइक PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऐसे केसेस देखने में अब तो हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी। क्या है ये पोलियो ओवेरियन सिस्टिक सिंड्रोम, कैसे ये इनफर्टिलिटी के लिए फैक्टर बन जाता है? और आप अपनी इनविट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में जबकि सुनते हैं कि PCOS एक बहुत टफ मेडिकल कंडीशन है और आमतौर पर फुल्ली क्योर भी जिसका नहीं है, तो आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस टेक्निक से कैसे रास्ता निकालती हैं PCOS PCOD के पेशेंट्स के बीच? तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि क्यों बढ़ गया है जी, तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। PCOS हमेशा से था, बट अब क्योंकि हम मोटे होते जा रहे हैं, वी आर ओबीज, तो PCOS बढ़ गया है। PCOS तभी मैनिफेस्ट करेगा जब आप ओबेसिटी की तरफ चले जाओगे। यानी ये वो जो ओवरी में सिस्ट आमतौर पर पाया जाता है, ये ओबेसिटी का नतीजा है? वो ये डायबिटीज की जीन का नतीजा है, और हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन में डायबिटीज़ की जीन है, शुरू से है। जब तक हमारे पूर्वज हमारे प्रेडिसेसर्स पतले थे, उनको ना डायबिटीज़ हुई, ना हार्ट डिजीज हुए, ना उसकी कोई बीमारी हुई। जब ये लाइफस्टाइल चेंज हुआ और हम ओबीज होने लगे, तो PCOS भी मैनिफेस्ट होने लगा बिकॉज ऑफ द डायबिटिक जीन। तो PCOS का सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज भी वेट लॉस ही होता है। एंड यस, बहुत बार सब कुछ करने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो PCOS के केसेस में IVF इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल। एंड व्हाई, वेन एवर अ पेशेंट आस्क मी, मेरे से मरीज पूछता है जी मेरे को तो PCOS, आई विल से IVF के लिए तो वरदान है PCOS, क्योंकि हमें ज़्यादा एग्स चाहिए IVF में, तो PCOS में तो बहुत सारे एग हैं, तो हमें 15-20 एग्स अगर मिल जाते हैं, तो हमें एक ही IVF से 3-4 बार के लिए बच्चे मिल जाते हैं फ्रीज करने के लिए। तीन चार साइकिल फ्रॉम वन साइकिल ओनली, तो PCOS एक तरह का वरदान है IVF के लिए, है ना, उस पेशेंट के लिए है, भगवान ना करे उसको IVF की नौबत आए। PCOS खुद इनफर्टिलिटी के लिए एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर भी है, और अगर कि आप उस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए, कंसीव करने के लिए आप IVF की तरफ आते हैं, तो वही PCOS आपके लिए वरदान बन जाता। मैम जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, क्योंकि उसके लिए तो पॉपुलेशन बड़ा इशू हो गया, तो वो क्यों जाए पॉपुलेशन बढ़ाने, इंश्योरेंस में भी कवर नहीं है इनफर्टिलिटी। ऐसे चैलेंजेस के बीच में ओरिजिन IVF के इस सेंटर के ज़रिए कितनी कामयाबी आप हासिल कर पाएं, कितना सक्सेस रेट रहा आपके ज़रिए किए गए केसेस का, और उसके अलावा क्या लगता है कि ओरिजिन IVF ने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल दी होगी? देखिए, जहाँ तक मैं अपने पास्ट उसको देखती हूँ, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत एथिकल और बहुत कंपैशनेट अप्रोच लेके चलते हैं, और जो ज़रूरी है, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, और एक्चुअली पैसा कुछ भी नहीं है, तो इसी करके हम लोगों ने अपने लो कॉस्ट पैकेजेस बनाए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है हम उसको कर सकें। तो हमने माइल्ड IVF है लो कॉस्ट में, ऑलमोस्ट अब तक लगभग 300-400 कपल्स इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, और सक्सेस क्योंकि हम लोग बहुत ध्यान से करते हैं, सारी चीज़ों को करेक्ट करके करते हैं, और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, इस कपल के चांसेस बहुत कम है, तो मैं मना कर देती हूँ। ज़बरदस्ती का सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए IVF नहीं करना होता। जहाँ लगा कि नहीं ये बहुत पुअर प्रोग्नोसिस है, वहाँ मना कर देते हैं कि नहीं मत करो, इसमें पैसा मत करो, आप अडॉप्ट करो, अडॉप्शन इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, वाई नॉट। सो ऑलमोस्ट 50-60% कपल्स बच्चा लेकर जाते हैं। सो एंड प्लस बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोग फ्री में कंसल्ट करते हैं, ताकि एटलीस्ट एक बार पेशेंट आके समझ ले उसकी समस्या क्या है और उसका इलाज क्या है,
और उसके बाद हम उनको ऑप्शन भी देते हैं, हम ये भी बता के भेजते हैं कि सरकारी अस्पताल में, किस सरकारी अस्पताल में IVF उपलब्ध है। जी, अगर पेशेंट के पास बिल्कुल यू नो पेशेंट प्राइवेट में नहीं करा सकता, लो कॉस्ट में भी नहीं कर सकता, तो उनको मैं खुद गाइड करती हूँ, अल्टरनेट चैनल मैं खुद उनको गाइड करती हूँ कि आप इस अस्पताल में चले जाइए, समय वेस्ट मत कीजिए, आपकी उम्र निकल जाएगी, आप कहीं करा लीजिए, आप चाहे प्राइवेट में कराइए चाहे गवर्नमेंट में चलाइए, पर चले जाइए। तो उनको पूरा एक यू नो एक पूरा समझा के हम लोग भेजते हैं कि ताकि पेशेंट उम्र ना निकाल दे, और उम्र का सबसे बड़ा रोल है IVF में, एज ना निकल जाए उनकी, सिर्फ इस वजह से कि उनको सही गाइडेंस सही समय पे नहीं मिली। तो यू वेरी हैप्पी। एक और सवाल मैम इसमें रह जाता है, और आमतौर पे लोग सोचते हैं टेक्निक ने बड़ी तरक्की की है, लोगों की का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि सरकारें रिटायरमेंट का उम्र बढ़ाने जा रही हैं, रिप्रोडक्टिविटी की एज को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्रायोप्रिजर्वेशन, वो तो खैर एक दूसरी टेक्निक हो गई, सोशल एग फ्रीजिंग है ना, बहुत वोग में आ गई है कि अगर किसी वजह से लेडी की है ना, ये मेल्स में अप्लाई नहीं करता क्योंकि मेल्स में स्पर्म्स की कोई एज नहीं है, हालांकि उम्र के साथ साथ थोड़ी बीमारियां बढ़ जाती हैं मेल्स में, तो बहुत ज़्यादा एज उनको भी नहीं करना चाहिए, बट फीमेल्स में अगर किसी वजह से शादी नहीं हो पा रही है, पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, या आप करियर की वजह से डिले कर रहे हैं, तो एग फ्रीजिंग की टेक्निक अवेलेबल है कि आप एग फ्रीज करा के रख लीजिए, जिससे कि भविष्य में अगर आप को ज़रूरत हो तो एटलीस्ट 40-50% चांसेस होंगे कि आप बच्चा आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा हो इन ओल्ड एज। बिल्कुल, सपोज आप 40 ईयर्स हो गई, 38 ईयर्स हो गई, मैरिज अभी नहीं हो रही है किसी भी वजह से, या नहीं मिल रहा है कोई पार्टनर आपको सूटेबल, तो एग फ्रीजिंग टेक्निक है जो बहुत सक्सेसफुल है, क्लिनिकल यूज में आ चुकी है। ओरिजिन IVF क्या इसको फैसिलिटेट करता है और क्या कॉस्ट इसके लिए? सी, एग फ्रीजिंग हम लोग बहुत करते हैं, उसका कारण यह है कि केवल सोशल एग फ्रीजिंग के पेशेंट्स तो कम होते हैं कि जो 35-37-38 में आ रहे हो, लेकिन हमारे पास कैंसर पेशेंट्स बहुत आते हैं, बिकॉज हमारा सेंटर 3 कैंसर हॉस्पिटल्स के बगल में है, राजीव गांधी और इधर मैक्स शालीमार बाग, तो वो लेडीज, वो गर्ल्स जिनको यंग एज में कैंसर हो गया और अब कीमोथेरेपी मिलने वाली है, तो उनके एग्स खत्म हो जाएंगे, तो हम एग्स पहले ही प्रिजर्व करके रख लेते हैं, दिस इज नोन एज फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन, कि कैंसर की ट्रीटमेंट से पहले स्पर्म फ्रीज कर लेने चाहिए और एग्स फ्रीज कर लेने चाहिए। तो ओरिजिन IVF बहुत, हम लोग काफ़ी संख्या में ये केसेस करते हैं, और सोशल एग फ्रीजिंग भी करते हैं, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है कि भाई अभी इसकी 35 हो गई है, 36 हो गई है, शादी अभी नहीं हो रही है, तो यस। अच्छा, कैंसर एक बीमारी के तौर पे तो इंश्योरेंस में मेरे ख्याल से कवर्ड है, लेकिन अगर कैंसर से पहले, चूंकि अगर अनमैरिड है पेशेंट और उसके एक फ्रीजिंग की जरूरत, स्पर्म फ्रीजिंग की जरूरत होती, तो वो कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड नहीं, क्योंकि वो IVF का पार्ट मान लिया जाता है। तो ये बहुत सारी कमियां हैं जो सरकारी सिस्टम में कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। मैम, पिछले दिनों मैंने एक बहुत मशहूर हेल्थ सेक्टर के, हेल्थ और सोशल सेक्टर एक्सपर्ट को इंटरव्यू किया था, उनकी एक किताब आई है हेल्थ केयर ऑफ इंडियाज पुअर द इंश्योरेंस वे। तो अब जबकि IVF टेक्नोलॉजी को अवेल करना, या इनफर्टिलिटी कोई बुखार नहीं है कि आप गए और दवा की दुकान से एक पैरासीटामोल की टिकी आपने खाई तो आपका मसला हल हो गया, इनफर्टिलिटी एक बड़ी समस्या है, और इनफर्टिलिटी का के अब तक का जो कामयाब इलाज है वो IVF का सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। आप जब उसको एक्सेस करने आते हैं तो वहाँ एक कॉस्ट बड़ा फैक्टर बन जाता है, और जहाँ कॉस्ट फैक्टर बन जाता है तो वहाँ आम आदमी की नज़र सरकार की तरफ जाती है, और सरकार एक रास्ता सुझाती है द इंश्योरेंस वे। आपके यहाँ उस इंश्योरेंस वे के थ्रू कोई अपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराना चाहे तो? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि IVF या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सैडली किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, होने चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, लेकिन सरकार तो कहती है हम उल्टा कर रहे हैं ना, हम तो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, सरकार तो जनसंख्या रोकने पे पैसा लगाना चाहती है, बट हमें ये समझना चाहिए कि इनफर्टाइल कपल्स की समस्या बहुत बड़ी है। हाँ, और पॉपुलेशन से ये किसी तरह कनेक्टेड नहीं है, और हमें उसे बीमारी की तरह लेना चाहिए, और ये भी कवर होना चाहिए, प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंसेस में भी कवर होना चाहिए और गवर्नमेंट मेडिकल इंश्योरेंसेस में भी कवर होना चाहिए। जी, ये चीज़ तो हमारी जो इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी है बहुत समय से गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं कि आनी चाहिए इंश्योरेंसेस के लिए, आनी चाहिए, पेशेंट सफ़र करते हैं, पेशेंट परेशान होते हैं, लेट्स सी कब हेल्थ सेक्टर के पास इतना पैसा आए गवर्नमेंट के कि तो आप तो बेसिकली एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो जनरल गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए जब आपके यहाँ पेशेंट्स आपके सेंटर को एक्सेस करते हैं तब आप उनको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्लेम कर पाने में मदद करते हैं? हाँ, देखिए, जो भी जनरल गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, वो तो इंश्योरेंस में सब कवर ही है, तो या तो लोगों के पास अपनी इंश्योरेंस होती है, कोई भी ICICI, लोम्बार्ड, एंड सो मेनी,
मैम लो कॉस्ट IVF के बारे में आपने बताया कि ऑलमोस्ट हाफ कॉस्ट हाँ पड़ता जी है जो पैकेज आपने डेवलप कराया है हाँ जी इस सेंटर में, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रही हैं। बावजूद उसके सारे लोग ये खूब जानते हैं कि इलाज में और डॉक्टर की फीस में उतना खर्च नहीं होता है जितना खर्च डायग्नोसिस के पूरे प्रोसेस में, लैब्स, पैथोलॉजी, टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और MRI और डायग्नोसिस में खर्च हो जाता है। तो इसको आप गरीबों के इलाज के लिए इस एक बड़े फैक्टर को कैसे कंट्रोल करती हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में जांचें बहुत ज़्यादा नहीं है, गिनती की 5-6 जांचें हैं, गिनती की, जो बहुत जी, महंगी नहीं ये है। जानना चाहिए ये लोगों जाना को। चाहिए, हस्बैंड का एक स्पर्म जांच करना है जी जो कि जी 500-600 रुपये से ज़्यादा जी नहीं है। बिल्कुल एक सिंगल हार्मोन टेस्ट करना है, लेडी का जो AMH जो 1700 रुपये से ज़्यादा नहीं है। एक ट्यूब्स का चेक करना है जो 4,000-4,500 रुपये का है। एक आधा टेस्ट आप और मान लीजिए, कुल मिला के टेस्टों की कॉस्ट मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार, 8-9 हज़ार से ज़्यादा नहीं होते। हमें कोई बहुत एक्सटेंसिव MRIs और ये सब नहीं करने हैं। अल्ट्रासाउंड जो इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है वो खुद ही करता है, जी तो वो खुद ही कर ही रहा है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। अंदर इसकी कोई बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स हों तो बात एक अलग है कि जहाँ MRI की ज़रूरत पड़ गई, बट एज अ नॉर्मल इनफर्टिलिटी पेशेंट एक फॉलिकुलर स्टडी से अंडा देखना है, एक ट्यूब देखनी है और एक स्पर्म देखना है। मैम, मेंसुरल साइकिल भी, जिस तरह से इनफर्टिलिटी एक टैबू है, मेंसुरल साइकिल भी अफसोस की बात है कि 21वीं सदी में भी हमारी कंट्री में आज भी मेंसुरल साइकिल एक टैबू है। और इसके टैबू होने की वजह से मेंसुरल साइकिल के साथ मेंसुरल हाइजीन का एक क्वेश्चन आके अपने आप जुड़ जाता है। तो ये मेंसुरल हाइजीन जो है इनफर्टिलिटी के लिए कितना जिम्मेदार है और IVF टेक्नोलॉजी में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? आई एम सो हैप्पी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, एंड आई एम सो हैप्पी कि धीरे धीरे समाज में अवेयरनेस आ रही है कि भाई पैडमैन मूवी जी रिलीज हो बिल्कुल गई इस सब्जेक्ट पे, जी और बिल्कुल अभी अभी ऑस्कर मिला है एक मूवी को इसी सब्जेक्ट पे। सो यू नो, ये बहुत बड़ी जागृति है और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं है तो इन्फेक्शंस होंगे, और इन्फेक्शन सबसे बड़ा कारण होती है ट्यूब ब्लॉक का। तो अगर बचपन में या आगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रखी जाए तो वही इन्फेक्शन जाके नलियों को ब्लॉक कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें यू नो स्कूल लेवल से प्रमोट करना चाहिए। देयर जी शुड बी चैप्टर्स इन स्कूल, देयर शुड बी टीचिंग इन स्कूल दैट हाउ टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जी बिल्कुल देयर होना शुड चाहिए। बी जैसे पीछे कुछ जगह पे था कि नैपकिन्स के लिए क्या बोलते हैं वो मशीन कि जी आपने पैसे डाले, और यू नो जी सो इस तरह की चीज़ें जगह जगह होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और इनफर्टिलिटी का ये बहुत बड़ा कारण है। बहुत पेशेंट जो हमारे ट्यूबल ब्लॉक के होते हैं वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होते हैं। अगर वो टीबी नहीं है तो कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड। किस तरह का प्रिकॉशन आप एडोलेसेंस और जबकि प्यूबर्टी से जब गुजरती हैं? देखिए, मेंसुरल साइकिल जाहिर सी बात है चूंकि फीमेल से एसोसिएटेड है, और बीइंग अ गाइनेकोलॉजिस्ट हमारी इंटरव्यू का हासिल रहेगा। आप जब प्यूबर्टी में दाखिल हो रही लड़कियों के लिए मेंसुरल हाइजीन से रिलेटेड क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो वो लेकर और अपने मेंसुरल हाइजीन को एश्योर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं, पहली बात तो वो बहुत डरी हुई होती हैं, जी बिल्कुल उनको लगता है ये बीमारी है, तो उनका पहले तो ये भ्रम दूर करना चाहिए। उनके पेरेंट्स का जिम्मेदारी है और स्कूल की जिम्मेदारी है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है। जी बिल्कुल अगर मेंस्ट्रुअल नेचुरल साइकिल फेनोमेना है। नहीं होगा तो आप बीमार हो, जी ये पहली बात, क्योंकि अदरवाइज एक मन में शेम की फीलिंग बहुत लड़कियों के मन में होती है, इस हद तक होती है कि अगर पीरियड आ रहे हैं तो वो जाएंगी नहीं, वो यू नो तो ये फीलिंग एक निकालना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक स्टेप्स की बात है, यस, प्रॉपर यूज़ ऑफ पैड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर चेंज ऑफ पैड्स इज़ वेरी, उनके पास पैड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हमारे गाँवों में, हमारे इनफैक्ट बहुत से कस्बों में, इवन शहरों में पैड ही अवेलेबल नहीं है। दे डोंट हैव एनी थिंग टू यूज़ ड्यूरिंग पीरियड्स। वो एक गंदा कपड़ा जो धुला हुआ नहीं है वही यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो नेचुरली उससे क्या इन्फेक्शन और क्या नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें सरकार के ऊपर भी जाना चाहिए कि GST आई थिंक अब तो उन्होंने हटा दिया काफ़ी जी समय के बाद, बट नहीं होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल पैड्स पे GST नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टैक्स फ्री सर्विस, एंड जितना चीप कॉस्ट हो जाए और जितनी वाइड अवेलेबिलिटी हो दैट इज़ बेटर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द इन्फेक्शन इज़ बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ डर्टी क्लोथ्स, गंदे कपड़े के इस्तेमाल की वजह से इन्फेक्शन होते हैं जो हमें
नहीं करने चाहिए। टैम्पून्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर गर्ल्स जैसे जो जी शहरों में जो प्रॉब्लम समझ में आती है जहाँ पे अप्रोच की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो टेम्पून्स का रेगुलर चेंज बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 12 घंटे 24 घंटे टेम्पून, एक ही टेम्पून जी यूज़ हो बिल्कुल, रहा है, दैट इज़ उसको नॉट डन। टाइम टू टाइम उसको चेंज चेंज करना। करना ज़रूरी है, पैड्स का प्रॉपर होना ज़रूरी है, प्रॉपर चेंज करना। मैम, आपने अच्छा खासा वक्त गुजारा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर को कितना इनकरेजमेंट मिलता है, या फिर कैसे कितने चैलेंजेस सिस्टम के आपको फेस करने पड़ते हैं, तब जबकि आप एक बहुत पाक और नेक काम कर रहे हैं। आप दरअसल उन लोगों के दर्द का मदावा कर रहे हैं जिनके दर्द को कोई कोई शेयर भी सुनवाई नहीं, नहीं है, कोई शेयर भी नहीं कर सकता। शेयर भी नहीं कर सकते। लावल्द होने का दर्द, बांझ होने का दर्द और अगली नस्लों को पैदा न कर पाने का दर्द, एक ऐसा बड़ा दर्द है जिसमें सोसाइटी का शेम शेयर भी आके नहीं कर सकते। ऐड आके जुड़ जाता है, गहरा कर देता। देखिए, मैं कहूँगी शायद हमारी सरकार का फोकस अभी प्राइमरी हेल्थ केयर पर है। हमारे देश की दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में हेल्थ का जीडीपी का जस्ट 1.5% खर्च होता है, जी बिल्कुल, जबकि छोटे छोटे देशों में भी, भूटान, बांग्लादेश में 8.5% यूज़ होता है। तो हमारे देश में हेल्थ के ऊपर बजट नहीं लगा रही है गवर्नमेंट। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो जाना चाहिए गवर्नमेंट को कि हेल्थ को बजट की ज़रूरत है। और अभी प्राइमरी हेल्थ केयर ही नहीं पहुंची है, यू नो मोस्ट ऑफ द जगह पे डिलीवरी सुविधा और ये सब ही नहीं है। तो ये तो IVF लेटेस्ट और है। इनफर्टिलिटी तो शायद बहुत ही दूर की बात है। और यही कारण है कि आप देखिए, हिंदुस्तान में इतने गवर्नमेंट कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हुए भी IVF की सुविधा गिनती के 2 या 3 गवर्नमेंट अस्पतालों में है। तो जैसे अदरवाइज ऑल्सो लाइक 80% ऑफ द हेल्थ केयर हिंदुस्तान की प्राइवेट सेक्टर ने उठाई हुई है ना? द गवर्नमेंट इज केटरिंग टू ऑलमोस्ट 27 to 30% जी ऑफ द बिल्कुल, हेल्थ नीड्स। सेम वे आई थिंक IVF में आई थिंक 99% हेल्थ केयर इज बींग प्रोवाइडेड बाई द प्राइवेट सेक्टर, नॉट बाई द गवर्नमेंट। बट समवेयर जैसे जैसे हमारा देश इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी और हेल्थ पे बजट आएगा, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में IVF सेंटर्स खुलने चाहिए जहाँ पे कि फ्री में IVF नीडी पेशेंट करा सके। अब एक झुग्गी वाले को भी तो बच्चा चाहिए ना, जी बिल्कुल, एक ठेले वाले को भी बच्चा चाहिए। अब ठेले अगर वाला बच्चा नहीं है तो उसको बच्चा नहीं करेगा। चाहिए। और प्राइवेट में भी अगर वो जाएंगे तो चलिए, कितने भी कंपैशनेट डॉक्टर हो, सपोज मैं भी हूँ, मैं भी हेल्प करना चाहूँ, तो जो 10-10 हज़ार रुपये के इंजेक्शन है वो 70 हज़ार 75 हज़ार के लिए, तो कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो इंजेक्शन बिना उसको सिस्टम लगेंगे के, ही। हेल्प के, बिना कैसे सब्सिडी करोगे के, आप? कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी करोगे तो भी कुछ तो पैसा उसमें और लगेगा। तब ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, जबकि प्राइमरी हेल्थ से जुड़ी तमाम बीमारियां तो इंश्योरेंस में कवर्ड हो, लेकिन इनफर्टिलिटी इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होती। कुछ ऐसे ही चैलेंजिंग सिचुएशंस के बीच डॉक्टर रश्मि शर्मा अपने ओरिजिन IVF सेंटर के साथ लगातार इनफर्टिलिटी के सेक्टर में काम कर रही हैं, और वो दर्द जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया, उनसे पूछिए जिनके बच्चे नहीं हैं, उनसे पूछिए जो लावलद हैं, उनसे पूछिए जिनको हम आप बहुत आम तौर पे बांझ कह के बुला देते हैं, क्या होता है इसका दर्द, और ऐसे ही दर्द को बांटते हैं डॉक्टर रश्मि शर्मा जैसे स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स, IVF के ट्रेंड डॉक्टर्स। और आपको अगर ऐसी किसी समस्या का सामना है, या आपके जानने में कोई कपल ऐसी किसी समस्या से गुजर रहा है, तो निसंकोच उनको आप भेज सकते हैं ओरिजिन IVF सेंटर पे, जहां डॉक्टर रश्मि शर्मा के गाइडेंस में उनकी ये जो दैरीना ख्वाहिश है वो ज़रूर पूरी होगी। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और जैसा कि हम अपने ऑडियंस के सेहत की फ़िक्र करते हैं, तो वो सेहत की फ़िक्र तो हम लगातार करेंगे, और दुनिया की आधी आबादी में जो है वो औरतें हैं, और औरतों की सेहत के ऊपर तवज्जो आमतौर पर नहीं दी जाती है। हम कोशिश करेंगे कि सेहत आपकी फ़िक्र हमारी अपनी इस प्रोग्राम में फीमेल जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको लेके एक्सपर्ट से बात करते रहें, और इस सिलसिले में कभी दोबारा हम फिर आएंगे ओरिजिन IVF में, और एक ब्रॉड कवरेज के ज़रिए हम आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की टेक्निक भी समझाएंगे। ये प्रोग्राम्स आपको पसंद आ रहे हों तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मौजूद हैं ज़रूर लिंक साझा करें हमारे, ताकि IVF पर इस तरह की इंटरेस्टिंग पैकेजेस न सिर्फ IVF पर बल्कि दुनिया के तमाम बड़े टॉपिक्स पर बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच सके। डॉक्टर साहिबा, आपका एक बार सो बहुत बहुत शुक्रिया। मच। शुक्रिया। थैंक यू।